सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्रिया राजगुप्ता व्लॉग्स। कैसे हैं आप? सो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और इतनी नाइट हो रही है और मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट डे के लिए शूट लेके आई आ चुकी हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितना टाइम हो रहा है, 2:37 नाइट हो रहा है। मतलब नेक्स्ट डे होने वाला है, तो मैं इतनी नाइट में क्यों मैं आज लेके आई हूँ शूट को, क्योंकि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो इस वजह से पूरी नाइट मैं पैकिंग कर रही थी, तो मतलब इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मतलब मिसिंग ना हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से दो चार दिन मिसिंग हो जाएगा, मैं मेरा व्लॉग नहीं आ पाएगा। तो मैं मतलब होम टाउन का व्लॉग आएगा मेरा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोग को फिलिंग करके पूरा दिखा दूँ, पैटर्न कम्प्लीट कर दूँ। तो देखते रहो मैं कैसे कर रही हूँ। मैं एक हाथ से व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए भी कोई नहीं है, सब मेरे सब सो चुके हैं। तो एक हाथ से व्लॉग बना रही हूँ मैं, एक हाथ से पैटर्न बना रही हूँ। सोचो कितना मतलब अब कितना मुझे टफ हो रहा है करना। मैं ज़्यादा तेज़ वॉइस में बोल नहीं सकती, क्योंकि सब सो चुके हैं। अगर मेरी फीलिंग वगैरह ढंग से ना आई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक हाथ से व्लॉग बना रही हूँ और एक हाथ से फीलिंग कर रही हूँ। देखो गाइस, जो ड्रॉप्स बचते हैं, जो गैप बचता है, तो उसको ऐसे आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी जो मिट गया है, मैं इसको पूरा कवर कर देती हूँ। ये कोन भी मैं क्लीन नहीं कर पा रही हूँ एक हाथ से। तो आज के लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि इसलिए कि मेरे साथ बिल्कुल भी पैटर्न बन नहीं पा रहा है। आज मैं गाइस बहुत ज़्यादा ही ओवर बिजी थी, सुबह से मॉर्निंग से शॉपिंग में लगे हुए थे, उसके बाद आई पैकिंग वगैरह करी मैं, उसके बाद खाना बना। मैंने तो खाना सोचा नाइट के 2 बजे खाया है, हबी जी भी 2 बजे खाए थे, हबी जी खा के सो चुके हैं। और मैं सोच रही हूँ कि शूट कर लूँ, शूट करके अपना फिर एडिटिंग करूँगी, फिर एडिटिंग करके अब मॉर्निंग में गैस निकलना भी है हम लोगों को 10 o'clock। गैस एक हाथ से बनाना आप भी सीख लो, क्या पता भाई ऐसे मजबूरी का भी पड़ सकता है आपके साथ भी, जैसे मेरे साथ पड़ा है आज। तो मैं एक हाथ से सोचो बना रही हूँ। फटाफट मैं चेक बना लेती हूँ इसको। तो मैंने इसमें पूरे में स्मॉल सर्कल कर दिया है, और इसमें रह गए मेरा स्मॉल सर्कल। इसमें मैं पूरे अब इसमें मैं राउंड सर्कल, इसमें राउंड सर्कल नहीं दूंगी, क्योंकि राउंड सर्कल इसमें हो चुका है, तो सेम एज इट इज़ ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें फिर राउंड सर्कल दे सकती हूँ। और इसमें मैं आप लोग को एक, इससे पहले जो मैंने मधुबन में वो अरबिक मेहंदी बताया था, उसमें मैंने फिलिंग दिखाई थी, बहुत सारी फिलिंग मैंने तरह तरह कर रखा था, तो उसी टाइप से मैं इसमें भी फिलिंग्स करूँगी। देखती हूँ फटाफट मैं कर लेती हूँ कौन कौन सी फिलिंग करती हूँ।
तो इसमें मैंने ये वाला फिलिंग कर लिया है। अब इसमें मैं राउंड सर्कल कर देती हूँ। तो इसमें मैं राउंड सर्कल कर दिया है। अब इसमें मैं क्या दूंगी, इसमें मैं ज़िगज़ैग चेक दे देती हूँ। ना ही कोई गाइस सपोर्ट है मुझे, ना ही कुछ, मैं ऐसी बना रही हूँ एक हैंड से। सोचो आप लोग, तो आप लोग भी प्लीज़ कोशिश करना एक हैंड से बनाने की। सब तरीके से बनाना सीखना चाहिए भाई, कब कौन सी मजबूरी पड़ जाए किसी को नहीं पता। इसी वजह से आप लोग सब बनाओ सब तरीके से। देखो अब मैंने इसमें ये वाला कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं पूरा कवर कर देती हूँ। बस ये वाला कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब इसमें भी फटाफट मैं इसमें भी स्मॉल सर्कल सब में दे देती हूँ। मैंने इसमें राउंड सर्कल कर दिया है। अब इसमें फटाफट मैं फिलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें तो मैं कल कर चुकी थी और इसमें मैं फटाफट कर लेती हूँ। सो गाइस आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा, तो गाइस मैंने इसमें भी कर लिया है फिलिंग और इसमें भी कर दिया है मैंने। ये पैटर्न मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस कैसा लगा पैटर्न, कैसा लगा डिज़ाइन, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आज का व्लॉग आप लोग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। और कल मिलते हैं नए दिन की शुरुआत से। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।